इस लेक्चर में हम सीरीज आरएलसी सर्किट का बिहेवियर डिस्कस करेंगे, यानी कि सीरीज आरएलसी सर्किट में करंट का क्या रिस्पांस है, करंट का क्या बिहेवियर है, वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए रजिस्टर ऑफ रजिस्टेंस आर ओम, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल हेनरी एंड ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी फेराड इज कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सप्लाई ऑफ आरएमएस वोल्टेज वी वोल्ट। यानी कि हमने एक सर्किट कंसिडर किया जो जिसमें कि एक रजिस्टर है और उसका रजिस्टेंस है आर ओम, एक इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस है एल हेनरी और एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है सी फेराड, और ये तीनों एलिमेंट्स सीरीज में कनेक्टेड हैं और इन तीनों एलिमेंट को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद एक सप्लाई वोल्टेज वी से कनेक्ट किया गया है और सप्लाई वोल्टेज जो है उसका आरएमएस वैल्यू है वी वोल्ट। और जब इस सर्किट को सप्लाई से कनेक्ट किया जाएगा तो इस सर्किट में एक करंट फ्लो करेगा और वो करंट है वो आई, हमने करंट माना कि जो करंट फ्लो कर रहा है उसका आरएमएस वैल्यू है आई। जो जब करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे वीआर से डिनोट किया गया है, और जो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको वीएल से डिनोट किया गया है, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको वीसी से डिनोट किया गया है। तो हमने पहले ये सब जो हमने यहाँ पे ज्यूम किया है वो सबको हमने एक्सप्लेन किया कि वी आरएमएस वैल्यू है सप्लाई वोल्टेज का, आई आरएमएस वैल्यू है करंट का, वीआर जो है वो आपका रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है और वो इक्वल होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, वीएल इंडक्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है और वो इक्वल होगा करंट इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, वीसी कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज है वो इक्वल होगा करंट इनटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये जो हमारा सीरीज आरएलसी सर्किट है इसमें हमारा करंट का रिस्पांस डिपेंड करता है इंडक्टर के इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि दोनों में किसका वैल्यू ज़्यादा है और किसका कम है उस पर डिपेंड करता है करंट का रिस्पांस। तो पहले हम इसमें एज्यूम करेंगे कि इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कैपेसिटेंस के क्रॉस के वोल्टेज से ज़्यादा है, तो दो डिफरेंट केस के लिए हम करंट का अलग अलग एक्सप्रेशन डराइव करेंगे। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट दोनों में सेम है, तो इसलिए हमने पहला केस हम कंसिडर कर रहे हैं कि इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस के वोल्टेज से ज़्यादा है, और इस केस में हम देखेंगे कि करंट का क्या रिस्पांस है। तो पहले हमने एक फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फेज डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो हमारा सर्किट है वो है सीरीज आरएलसी सर्किट है। तो चूँकि ये सीरीज सर्किट है तो इसमें जो तीन एलिमेंट्स हैं तीनों में करंट का वैल्यू सेम होगा, इसलिए फेज डायग्राम ड्रॉ करने के क्रम में हमने करंट को रेफरेंस फेज ड्रॉ किया और उसको हॉरिजॉन्टली हमने ड्रॉ किया, करंट के फिगर को हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया क्योंकि हमने इसको रेफरेंस माना। रेफरेंस इसलिए हमने माना क्योंकि इसमें तीनों में ये कॉमन है, सेम करंट फ्लो कर रहा है। और अब हम बारी बारी से तीनों एलिमेंट के क्रॉस के वोल्टेज को ड्रॉ करेंगे। तो पहले अगर हम रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज देखें तो इसके क्रॉस का वोल्टेज है वी आर और इसके थ्रू करंट जो है वो आई था, तो हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करता है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है दोनों सेम फेज में होता है, इसलिए जो करंट का फेजर दिखाया गया है उसी फेजर में आपका रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज को भी दिखाया गया है। उसके बाद अगर हम इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज देखें तो इसमें भी करंट सेम करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है और जो करंट है इन दोनों में हम जानते हैं कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में जो करंट है वो 90 डिग्री से लैग करता है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में। तो चूँकि हम करंट को ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री से लीड करेगा इस केस में, तो जो इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज है उसको हमने 90 डिग्री से लीड करता हुआ हमने दिखाया है, ये आपका इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज है। और जो कैपेसिटर के क्रॉस का जो वोल्टेज है वो हम जानते हैं कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के केस में जो करंट है वो 90 डिग्री से लीड करता है, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वोल्टेज 90 डिग्री से लैग करेगा। तो करंट हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं तो इससे 90 डिग्री पे लैग करता हुआ हमने कैपेसिटर के क्रॉस के वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया।
तो फेजर डायग्राम में हमने यहाँ पे करंट दिखाया, उसी के फेज में यहाँ पे आपका VR है रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज, और करंट से 90 डिग्री पे आपका इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है, और करंट से 90 डिग्री लैग करता हुआ कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है। तो चूँकि हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस के वोल्टेज से ज़्यादा है, तो इसलिए जो VL का जो फेजर है उसको हमने मैग्नीट्यूड में ज़्यादा दिखाया है, यानी कि लेंथ उसका ज़्यादा है कैपेसिटर वाले जो वोल्टेज का फेजर है उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि जो आपका VL है और VC है ये दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट में है, दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट में है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों का माइनस होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही रिजल्टेंट होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा रिजल्टेंट उसी के डायरेक्शन में होगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज ज़्यादा है, इसलिए जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों का डिफरेंस यानी VL माइनस VC होगा, और चूँकि VL ज़्यादा है इसलिए VL के डायरेक्शन में ही होगा ये VL माइनस VC। अब जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है वो इन तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज है उनका रिजल्टेंट होगा। तो एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है, ये तीन हमारा सर्किट में था। तो इसके क्रॉस का वोल्टेज है VR, इसके क्रॉस का है VL और इसके क्रॉस का वोल्टेज है VC। तो जो हमारा सप्लाई वोल्टेज था वो इन तीनों का फेजर समेशन होगा। तो चूँकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो VL माइनस VC हो गया, और VR और ये वाला जो टर्म है ये दोनों सेम फेज में नहीं है, इसलिए इसका जो फेजर सम है वो इस ट्रायंगल से निकाला जाएगा। तो यहाँ पे आपका VR है, यहाँ पे VL माइनस VC है, जो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। और तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये कि एक हमारा पाइथागोरस के प्रिंसिपल से हम यहाँ पे सब जो मैग्नीट्यूड है उसका एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं, कि चूँकि हमको VR का वैल्यू पता है, VL माइनस VC पता है, तो हम ये सप्लाई वोल्टेज उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम द फेजर डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट सप्लाई वोल्टेज V इज रिजल्टेंट ऑफ फेजर VR एंड VL माइनस VC, यानी कि सब जो फेजर डायग्राम है उससे हमें यह पता चल रहा है कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो VR और VL माइनस VC दोनों का रिजल्टेंट है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रिंसिपल से, तो हो जाएगा आपका VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर अंडर रूट में। VR के जगह पे हम लिखेंगे I इंटू R का होल स्क्वायर, और VL के जगह पे लिखेंगे I इंटू XL, और VC के जगह पे I इंटू XC। I को कॉमन ले लेंगे तो यह आपका पूरे का होल स्क्वायर होगा, I इंटू XL माइनस XC ये पूरे का होल स्क्वायर होगा। और यहाँ से हम करंट को रूट से बाहर कर लेंगे तो अंदर में हमें बचेगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और ये अंडर रूट के साथ जो टर्म है उसको हम सर्किट का इम्पीडेंस कहते हैं, और उसे Z से डिनोट किया जाता है। सीरीज RLC सर्किट के लिए जो इम्पीडेंस है वो है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसे इस सीरीज RLC सर्किट का इम्पीडेंस कहा जाता है, और इसे Z से डिनोट करेंगे। हेयर Z इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड इज एक्सप्रेस्ड इन ओम। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू करंट का मैग्नीट्यूड इंटू सर्किट का जो इम्पीडेंस है उसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम करंट निकालेंगे तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बटा आपका इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। From the phasor diagram, it is also clear that the circuit current lags the supply voltage by an angle theta. तो phasor diagram से हमें यह भी पता चल रहा है कि हमारा करंट था यहाँ पे, वोल्टेज है हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो यहाँ पे था, थीटा एंगल पे था। तो हम ये फेजर डायग्राम देखने से हमें यह पता चल रहा है कि सर्किट में जो करंट है वो सप्लाई वोल्टेज से थीटा एंगल से लैग कर रहा है, और ये थीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। तो ये हमें निकल कर आया, जो रिजल्ट हमें निकल कर आया कि सीरीज RLC सर्किट में करंट जो है वो वोल्टेज से लैग करता है थीटा एंगल से, जब VL इज ग्रेटर देन VC, जब इंडक्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज
कैपेसिटेंस के क्रॉस के वोल्टेज से ज़्यादा हो उस केस में करंट लैग करता है। अगर हम इस एंगल का मैग्नीट्यूड देखना चाहेंगे कितने एंगल से लैग करता है, तो जो ट्रायंगल है हमारा इस ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं। ये एंगल था थीटा, यहाँ है वी आर, ये था आपका वी एल माइनस वी सी, और ये है आपका सप्लाई वोल्टेज भी। यहाँ से अगर हम इस ट्रायंगल में टेन थीटा अप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, तो फिर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स वी एल माइनस वी सी बटा वी आर, और वी एल की जगह पे हम लिखेंगे आई इंटू एक्स एल, वी सी की जगह पे लिखेंगे आई इंटू एक्स सी, और वी आर की जगह पे लिखेंगे आई इंटू आर। तो यहाँ से हम आपका करंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों में है, तो हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बटा आर। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि जो एंगल है वो डिपेंड करता है इंडक्टिव रिएक्टेंस पे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे और रेजिस्टेंस पे। तो इनके वैल्यू पे आपका डिपेंड करता है कि कितने एंगल से करंट लैग करेगा। लेकिन इतना हमें यह निष्कर्ष निकला कि सीरीज आरएलसी सर्किट के केस में जब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, या दूसरे शब्दों में कहें तो इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज ज़्यादा होगा कैपेसिटर के क्रॉस के वोल्टेज से, तो उस केस में आपका जो सर्किट है वो इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा और करंट जो है वो थीटा एंगल से लैग करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब इंडक्टिव सर्किट हो, सीरीज आरएलसी सर्किट के केस में हमने देखा था कि करंट थीटा एंगल से लैग करता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा जो करंट है वो थीटा एंगल से लैग करेगा अगर कैपेसिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। और कितने एंगल का जो वैल्यू है वो निकाला जा सकता है इस एक्सप्रेशन से। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है उसका इक्वेशन है वी इजकल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो करंट का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं आई इजकल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, क्योंकि जो करंट है वो थीटा एंगल से लैग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस थीटा होगा। और आई एम की जगह पे हम लिख सकते हैं वी एम बटा जेड, तो हमारा करंट जो का जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा आई इजकल टू वी एम बटा जेड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। इसका अगर हम वेवफॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करें तो जो ये आपका रेड कलर से जो वेवफॉर्म दिखाया गया है वो आपका वोल्टेज का वेवफॉर्म है वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट का जो वेवफॉर्म होगा वो ग्रीन पेन से दिखाया गया है, और ये करंट का वेवफॉर्म वोल्टेज के वेवफॉर्म से थीटा एंगल से लैग करेगा, यानी कि थीटा एंगल से पीछे पीछे चलेगा। दूसरे शब्दों में कहें कि थीटा जब आपका वोल्टेज जिस समय मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा उसके थीटा एंगल के बाद करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, जिस समय वोल्टेज आपका जीरो वैल्यू पे पहुंचा उसके थीटा एंगल के बाद आपका करंट जीरो वैल्यू पे पहुंचेगा, तो जो करंट है वो थीटा एंगल से लैग करेगा। यानी कि हम फेजर डायग्राम इसका ड्रॉ करें अगर सिर्फ वोल्टेज करंट का, तो अगर हम वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं तो करंट हमारा जो है वो थीटा एंगल से लैग करता हुआ नीचे की तरफ होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल के बारे में डिटेल से। जो हमने आपका वोल्टेज ट्रायंगल देखा था, यहाँ पे आपका वी आर था, ये आपका वी एल माइनस वी सी था, और ये आपका सप्लाई वोल्टेज भी था जो रिजल्टेंट था इन दोनों वोल्टेज का। तो अगर इस जो वी आर है इसमें अगर करंट से डिवाइड इसको किया जाए तो आपको सिर्फ ये रेजिस्टेंस का टर्म यहाँ पे मिलेगा, इसमें अगर करंट से डिवाइड किया जाए तो इसमें आप इसके जगह पे आपको मिलेगा एक्सएल माइनस एक्ससी मिलेगा, और इसको भी अगर करंट से डिवाइड किया जाए तो ये आपको मिलेगा जेड सिर्फ मिलेगा आई इंटू जेड। तो ये जो हमारा ट्रायंगल बना इसी को इम्पीडेंस ट्रायंगल कहा जाता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है उससे हम करंट के फेजर में दिखाएंगे, लेकिन जो एक्सएल माइनस एक्ससी है वो आपका चूँकि एक्सएल यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए जो एक्सएल का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में 90 डिग्री पे आपका एक्सएल माइनस एक्ससी होगा, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो आपका एक्सएल माइनस एक्ससी होगा, और इसका जो फाइनल जो आपका फेजर सम होगा वो आपका इम्पीडेंस कहलाएगा। तो इम्पीडेंस को जेड से डिनोट करते हैं, वो आपका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस इन दोनों का फेजर समेशन होगा। तो
तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ओ ए बी, इसी को इम्पीडेंस ट्रायंगल कहा जाता है। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस और जो रिएक्टेंस है ये सेम फेज में नहीं है, इसलिए क्योंकि वो 90 डिग्री पे है, इसलिए यहाँ पे अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करें तो लिखेंगे आर प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्स सी। जे टर्म इसलिए लगाया गया है, जे का मतलब है ये बता रहा है कि 90 डिग्री से वो आगे है, 90 डिग्री से वो के फेज डिफरेंस में है और वो आगे है, इसलिए चूँकि यहाँ हमारा करंट था इससे 90 डिग्री से ये आगे था एक्सएल माइनस एक्स सी, इसलिए इस टर्म के साथ जे लगाया गया है क्योंकि दोनों सेम फेज में नहीं है। और अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो बिल्कुल हमें वही आएगा, मॉड ऑफ द जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम आर का वैल्यू निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू जेड कॉस थीटा, और जो आपका ये वाला टर्म है परपेंडिकुलर वाला उसके जगह पे हम लिख सकते हैं एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू जेड साइन थीटा। यानी कि जब आप इसमें कॉस थीटा इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे तो आपको ये वाला टर्म आ जाएगा, और जब साइन थीटा वाला टर्म फार्मूला लगाएंगे तो आपको ये वाला टर्म आ जाएगा। तो ये आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल इसको कहा जाता है, जिसमें कि आपका तीनों ब्रांच में इम्पीडेंस है यहाँ पे दिखाया गया है। और क्या इम्पीडेंस के बीच में फेज रिलेशन है, यानी कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बीच क्या रिलेशन है, वो इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में दिखाया गया है। तो अब हम दूसरा केस कंसिडर करेंगे। इसमें दूसरे केस में पहला जो केस था हमारा उसमें हमने कंसिडर किया कि इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस के वोल्टेज से ज़्यादा था, और उस केस में करंट हमारा लैग कर रहा था थीटा एंगल से। जो सेकंड केस है उसमें हम कंसिडर करेंगे कि कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज इंडक्टर के वोल्टेज से ज़्यादा है, तो देखते हैं कि इस केस में सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका क्या रिस्पॉन्स है। तो फेजर डायग्राम जो हम ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल उसी प्रकार से ड्रॉ करेंगे, करंट को हमने रेफरेंस फेजर के रूप में यहाँ पर ड्रॉ किया। ये आपका इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज है जो कि करंट से 90 डिग्री पे लीड करता हुआ होगा, और जो कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री से लैग करता हुआ होगा वोल्टेज। और चूंकि हमने यहाँ पे माना है कि कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज ज़्यादा है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड हमने ज़्यादा दिखाया, और जो रिजल्टेंट है वो आपका वी सी का डायरेक्शन में होगा, और जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा इन दोनों का वो होगा वी सी माइनस वी एल। और फिर फाइनल जो सप्लाई वोल्टेज है वो होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज और वी सी माइनस वी एल, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही आपका सप्लाई वोल्टेज होगा। वी आर जो है आपका चूँकि प्योरली रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज सेम फेज में होता है करंट के, इसलिए ये करंट के फेज में ही यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ से भी हम फिर सप्लाई वोल्टेज का मैग्नीट्यूड निकालेंगे जैसा कि हमने पिछले केस में निकाला। फ्रॉम द फेजर डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट द सप्लाई वोल्टेज वी इज रिजल्टेंट ऑफ द फेजर वी आर एंड वी सी माइनस वी एल, इन दोनों का रिजल्टेंट है। और हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वी सप्लाई वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। पाइथागोरस के थ्योरम से हमेशा लिख सकते हैं, और वी आर के जगह पर हम लिखेंगे आई इंटू आर का होल स्क्वायर, और वी सी के जगह पर आई इंटू एक्स सी, वी एल के जगह पे आई इंटू एक्सएल, यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे और ये पूरे का होल स्क्वायर रहेगा। यहाँ से फिर आई रूट से बाहर कर लेंगे तो अंदर में हमें बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ पे हमारा ज़्यादा है। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तभी आपका कैपेसिटिव वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, वी सी भी ज़्यादा होगा वी एल से। और ये रूट वाला जो टर्म है उसको इम्पीडेंस कहा जाएगा सर्किट का, और उसे जेड से डिनोट किया जाएगा, यानी वेयर जेड इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, और इसका यूनिट होता है ओम, यानी कि जो जेड है वो होगी है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर होगा, एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो हमारा इक्वल होगा करंट का मैग्नीट्यूड, यानी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है और सर्किट का जो इम्पीडेंस है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। फ्रॉम द फेजर डायग्राम इट इज ऑल्सो क्लियर दैट द सर्किट करंट लीड्स द सप्लाई वोल्टेज बाई एन एंगल थीटा। तो जो फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ किया उसमें से हमें यह स्पष्ट है कि जो हमारा करंट था वो यहाँ पे था, और जो सप्लाई वोल्टेज है वो इस डायरेक्शन में था,
ये सप्लाई वोल्टेज था, दोनों के बीच में एंगल था थीटा। तो ये फेयर डायग्राम से हमें यह स्पष्ट पता चल रहा है कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सप्लाई वोल्टेज से थीटा एंगल से लीड कर रहा है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है। और ये एंगल अगर हम निकालना चाहें तो लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी सी माइनस वी एल बटा वी आर। जो आपका ट्रायंगल था वो इस ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं, ये आपका थीटा है, ये वी आर है और ये था आपका वी सी माइनस वी एल। यहाँ से हम टेन थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी सी माइनस वी एल बटा वी आर। यहाँ से फिर हम वी सी की जगह पर लिख सकते हैं आई इंटू एक्स सी और वी एल की जगह पर लिख सकते हैं आई इंटू एक्स सी आई इंटू एक्स एल और वी आर की जगह पर आई इंटू आर। तो फिर यहाँ से आई हमारा कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। तो हमें थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल बटा आर। यानी कि जो एंगल थीटा है वो डिपेंड कर रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे, इंडक्टिव रिएक्टेंस पे और रेजिस्टेंस के वैल्यू पे। तो कितने एंगल से करंट लीड करेगा वो इन वैल्यूज पे डिपेंड करता है। लेकिन इतना आपका ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर ज़्यादा है इंडक्टिव रिएक्टेंस से, उस केस में कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, इंडक्टर के क्रॉस के वोल्टेज से ज़्यादा होगा और जो करंट है वो थीटा एंगल से लीड करेगा। ये आपका निष्कर्ष निकल कर आया। यानी कि अगर हम भी वोल्टेज का इक्वेशन को अगर हम मान लें कि वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो करंट का जो इक्वेशन होगा वो होगा वी आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा एंगल से लीड करेगा करंट इस केस में, और करंट के जगह पे हम लिख सकते हैं आई एम के जगह पे वी एम बटा जेड इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर ज़्यादा है इंडक्टिव रिएक्टेंस से, तो उस केस में जो सीरीज आरएलसी सर्किट है वो एक कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी कि आरसी सर्किट की तरह बिहेव करता है। और आरसी सर्किट के केस में भी हमने देखा था कि जो करंट है वो थीटा एंगल से लीड करता है, बिल्कुल वैसा ही ये बिहेव करता है। और वेव फॉर्म अगर हम ड्रॉ करें तो रेड पेन से वोल्टेज का वेव फॉर्म दिखाया गया है और ग्रीन पेन से करंट का वेव फॉर्म दिखाया गया है जो कि थीटा एंगल से लीड कर रहा है। हर क्षण ये आपका करंट थीटा एंगल से आगे आगे चल रहा है। और फेजर डायग्राम में अगर वोल्टेज को अगर हम रेफरेंस फेजर में ड्रॉ करें तो करंट हमारा लीड करता हुआ यानी आगे की तरफ होगा। यहाँ पे इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात करें अगर हम, तो जैसा कि हमने केस वन में कंसीडर किया था वैसा ही आपका यहाँ पे भी होगा। जो करंट, क्योंकि हमने देखा था कि जो इम्पीडेंस था वो था आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, यह आपका इम्पीडेंस का आया था रिलेशन। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि इम्पीडेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। और चूंकि इसको इस एक्सप्रेशन को देख के हम ये लिख सकते हैं कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक्सप्रेशन है, तो हम इसको अगर ट्रायंगल के रूप में रिप्रेजेंट करें तो लिख सकते हैं यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को लिया बेस में, क्योंकि जो रेजिस्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज सेम फेज में होता है तो इसलिए करंट के फेज में हमने रेजिस्टेंस को दिखाया। और जो परपेंडिकुलर होगा वो एक्स सी माइनस एक्सएल को यहाँ पे दिखाया, और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका इम्पीडेंस होगा। और यहाँ से आपका जो रिलेशन है वो निकाला जा सकता है इस ट्रायंगल से। तो इस ट्रायंगल को ही इम्पीडेंस ट्रायंगल कहा जाता है। ये आपका ट्रायंगल तब है जब आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है इंडक्टिव रिएक्टेंस के केस में। और अगर इसे हम इम्पीडेंस को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू आर, चूँकि हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो रेजिस्टेंस है और जो रिएक्टेंस है दोनों सेम फेज में नहीं है, 90 डिग्री से ये आपका रिएक्टेंस लैग कर रहा है, तो इसलिए माइनस यहाँ पे जो है आपका, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो है आपका एक्स सी माइनस एक्सएल, तो ये 90 डिग्री से आपका यहाँ पे दिखाया गया है आर प्लस जे इंटू एक्स सी माइनस एक्सएल।
यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस होगा, क्योंकि ये जो एक्स सी माइनस एक्सएल का जो टर्म है वो 90 डिग्री से नीचे की तरफ है ये, इसलिए उसको माइनस 90 डिग्री रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे माइनस जे होगा। और यानी कि हम लिख सकते हैं जेड इजकल टू आर माइनस जे इंटू एक्स सी माइनस एक्सएल। और ये हुआ आपको कि कम्प्लेक्स फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। और इस ट्रायंगल से हम अगर हम आर इजकल टू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आर इजकल टू जेड कॉस थीटा, और एक्स सी माइनस एक्सएल इजकल टू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जेड साइन थीटा। यानी कि कॉस थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला इसमें लगा करके हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सीरीज आरएलसी सर्किट में करंट का क्या रिस्पांस है, करंट का क्या बिहेवियर है, दो डिफरेंट केस के लिए हमने कंसीडर किया और दोनों के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया। थैंक यू।